हे गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि जान रहे लगातार ज्योग्राफी का सेशन आप लोग के लिए लाते हैं, तो कंटिन्यू देखें और हमारा जो स्टूडेंट सबसे बेहतर जवाब देता है उसको कमेंट करके बताएं ताकि उसको और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है राजू के साथ। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन सर, प्रधान देशांतर, देशांतर, अक्षांश या इनमें से कोई नहीं? देशांतर। गलत हो गया, अक्षांश होगा। दिख रहा है? दिख रहा है? चलिए थोड़ा सा लाइन जाने के कारण थोड़ा दिक्कत है। निम्नलिखित में कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? उदाहरण है भूमध्य रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से किसे कहा जाता है, किसे जाना जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सही एकदम। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ये घटता है। अब मिलान लाथा पूछते हैं उसी से क्वेश्चन चारों को ठीक करेंगे। ठीक है, भूमध्य रेखा कितना डिग्री वाला बोलते हैं वो बोलो? 0 डिग्री। बहुत बढ़िया। कर्क रेखा, कर्क रेखा ना सर 23.5 डिग्री क्या उत्तर दक्षिण? उत्तरी। मकर रेखा, मकर है ना 23.5 डिग्री दक्षिण। हाँ। अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री क्या उत्तर दक्षिण? क्या क्या तो बोलो उत्तर या दक्षिण, देखें गलत होगा क्या? देखते थोड़ा लक कितना बढ़िया है। सर क्वेश्चन क्या था? अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर। गलत हो गया, 66.5 डिग्री दक्षिण। लक पे नहीं जाओ, मेहनत करो ठीक है, थोड़ा लक नहीं काम कर रहा और बहुत बार चेक किए हैं, नहीं पढ़ते हो तो कम नंबर आता है कि नहीं? यस सर। कल कितना नंबर आया था तुम्हारा वहाँ पे टेस्ट में? 35 नंबर। संडे को, कल मंडे था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा आर्कटिक वृत्त का कितना होगा? 66.5 डिग्री उत्तर। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर। बहुत बार ये क्वेश्चन आ सकता है ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? साउंड से बोलो, साउंड से, जैसे बोलते हो ना ऑप्शन बोलिए तो वहां से लगता है सुनाई देगा, पंखा चलता है तो सुनाई। आप लोग कमेंट भी कीजिए इस चीज का कि किसका आवाज नहीं आता है, कौन सबसे बेहतर जवाब देता है। जो वीडियो देखते हैं कम से कम 30-35 रोज देखता है, नहीं 30-10 तो रोज देखता है। जो 10 लोग देखते हैं कम से कम कंटिन्यू कमेंट करके बताया सबसे बेहतर जवाब कौन देता है और कौन सबसे खराब जवाब देता है, उसको क्या इम्प्रूव करना चाहिए, इतना सजेस्ट आप कर सकते हैं। बाकी मैं तो जानता ही हूँ कौन जवाब कम देता है, लेकिन एक टीचर के, हम इन लोग के टीचर हैं तो उतना बोलते ही रहते हैं, लेकिन आप लोग बोलिए थोड़ा सा ताकि इन लोग को थोड़ा ज्यादा तिक लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त पूछ रहे थे क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शन कोई भी अच्छा आंसर नहीं। गुड मॉर्निंग सर, किससे क्वेश्चन है? बम्बा, अच्छा ऑप्शन ना जी। 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिण, 66 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी एवं 66.5 डिग्री दक्षिण, कोई भी अच्छा आंसर नहीं। कोई भी अच्छा आंसर नहीं। साउंड थोड़ा सा और लगाओ, मेरा भी आता होगा कि डाउटे लग रहा है। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में कहां से होकर गुजरती है? ऑप्शन दीजिए सर। ये सब जो है ना क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया, लेकिन कभी पूछ देगा कोई टक्कर नहीं। जिम्बाब्वे, मालागासी, भारत, ग्रीनलैंड। मालागासी। ये बोलता है एकदम मस्त है, और कमेंट करके लोग बताता ही नहीं क्या कहें। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। जी का भाई बहुत बढ़िया नहीं करता है, देखते हैं, देखो जब से ही स्टार्ट किया है तो अच्छा कर रहा है। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं सबसे बेहतर जवाब कौन देता है प्लीज। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो
पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, या ध्रुवों से मापी जाती है? भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन मध्याह्न, देशांतर, अक्षांश, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से बोलिएगा सर। दो ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो ध्रुवों को जो भूमध्य रेखा को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? मध्याह्न सर। मध्यान ऑप्शन में था। अरे थोड़ी ऑप्शन में मध्यान था, हम सोचे मजाक कर रहे। तो इसका आंसर होगा देशांतर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बस ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ रहे निर्मल से। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? गोरे। सही है एकदम। और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शन ले गए सर, दिमाग से था। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, हिंज रेखा। भूमध्य रेखा। सिंपल सी चीज, सूर्य अगर बीच में पड़ेगा तो उसमें रोधवा मतलब दिन और रात तो मतलब ऐसे ही होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन पूछा गया? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ये याद कर लिया? अन्य पूछते हैं, बहुत लंबा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 180 है। 111 किलोमीटर। अच्छा से संख्या भी नहीं पूछे हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होगी? सर्वाधिक दूरी ना ऑप्शन दे। वही है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इनमें से कोई नहीं। कर्क रेखा बोले, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इनमें से कोई नहीं। विषुवत रेखा। कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? अक्षांश कितना होगा? 2 होगा सर। अभी बोल दिया था 180। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। एक चीज बता दें कि भूगोल में जो भी चीजें उसको समझ समझ के पढ़ना होता है, जैसे विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं, कर्क रेखा का और क्या नाम है, अक्षांश रेखा क्या है, तो ये सब चीज जानना जरूरी होता है, तब इसको समझने में मतलब आप बोलने में आसान हो जाता है। तो आप लोग प्लीज समझ के आए, पढ़ते रहे, हम मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, और एक बार ठान लिए चाहे ग्रुप डी हो, SSC हो, रेलवे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मेहनत करें, आप आगे जरूर जाएंगे, ये मेरा कहना है। थैंक यू वेरी मच।